हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 जुलाई 2019 और यह हमारी 202वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको एमपीजी के और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में किसे जबलपुर संभाग का अपर आयुक्त बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है राम प्रताप सिंह जादौन। हाल ही में राम प्रताप सिंह जादौन को जबलपुर संभाग का अपर आयुक्त बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, राम प्रताप सिंह जादौन पहले गृह विभाग में उप सचिव थे। दोस्तों, कुछ और इंपोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुई है उनके बारे में भी आपको बता दें। हाल ही में अमरपाल सिंह को दोस्तों इन्हें सागर में अपर आयुक्त बनाया गया है। वहीं अगर बात करें ऋतु बाफना की, तो दोस्तों इन्हें सतना जिले में जिला पंचायत सीईओ बनाया गया है। और वहीं बात करें अगर प्रीति जैन की, तो इन्हें दोस्तों हाल ही में भोपाल संभाग में अपर आयुक्त बनाया गया है। तो आपको इन चारों अपॉइंटमेंट के बारे में याद रखना है। दोस्तों, अब बात आई है जबलपुर संभाग की, तो आपको जबलपुर संभाग के बारे में बता दें, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शिवनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, ये सभी जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो इतना आपको जबलपुर संभाग के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राजनेता का निधन हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है शीला दीक्षित। हाल ही में शीला दीक्षित का निधन हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें शीला दीक्षित के बारे में, तो शीला दीक्षित पहली बार 1984 में कन्नौज से सांसद बनी थी। राजीव गांधी की बहुत करीबी मानी जाती थी। दोस्तों, ये 1998 से 2013 तक यानी 15 साल दिल्ली के सीएम पद पर रही। दोस्तों, 2014 में इन्हें केरल की राज्यपाल भी बनाया गया था। तो आपको इतना शीला दीक्षित के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है लालजी टंडन। हाल ही में लालजी टंडन को मध्य प्रदेश में नया राज्यपाल बनाया गया है। दोस्तों, लालजी टंडन उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 23 अगस्त 2018 से अभी तक ये बिहार के राज्यपाल थे। दोस्तों, अब लेकिन ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे। 2009 में अटल की राजनीति में संन्यास लेने के बाद वह लखनऊ से सांसद और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी यानी आनंदीबेन पटेल के बारे में, तो इन्हें अब हाल ही में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। यानी जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे राम नाईक, इनकी जगह आनंदीबेन को चुना गया है और आनंदीबेन की जगह है लालजी टंडन, जो उत्तर बिहार के राज्यपाल थे, तो इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। तो आपको इन दोनों के बारे में इतना याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एनजीटी ने किस जिले के सफाई के मॉडल को बेस्ट बताया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है इंदौर। हाल ही में इंदौर के सफाई के मॉडल को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सफाई के मॉडल इंदौर को सबसे बेस्ट बताया है। दोस्तों, लगातार 3 बार नंबर 1 पर आने वाले इंदौर के सफाई के मॉडल को बेस्ट बताया गया है। एनजीटी ने अपने एक आदेश में हरियाणा सरकार के गुरुग्राम से लगे बंदवारे डंपिंग स्टेशन के कचरा निपटान के लिए इंदौर मॉडल अपनाने को कहा है। तो आपको याद रखना है, एनजीटी के अनुसार सफाई का सबसे बेस्ट मॉडल है इंदौर। दोस्तों, अब बात आई है एनजीटी की, तो आपको इसके बारे में बता दें। दोस्तों, एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। दोस्तों, इसे 2010 में इलेक्ट किया गया था, यानी 2010 में एनजीटी बनाई गई थी। तो आपको इतना एनजीटी के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में दुनिया का पहला साउंड प्रूफ बैरियर बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है चीन में। चीन में दुनिया का पहला साउंड प्रूफ
बैरियर बनाया गया है। दोस्तों इसे बनाने का जो मेन मकसद है या मेन मोटिव है उसके बारे में आपको बता दें तो ट्रेनों के शोर के कारण लगभग 30,000 पक्षी परेशान थे चीन में, जो एक बहुत ज्यादा संख्या है। 30,000 पक्षी बहुत परेशान थे चीन में, जिसके कारण ये साउंड प्रूफ बैरियर चीन में बनाया गया है। दोस्तों यह 2 किलोमीटर लंबा है और 3 साल इसे बनाने में लगे हैं, तो आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। दोस्तों बात आई है चीन की, तो आपको मैप में चीन के बारे में बता दें। मैप में ये जगह चीन को दर्शाती है। चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। तो इतना चीन के बारे में आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है इजराइल। हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ मिलकर 50 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों आपको बता दें नौसेना की MRSAM की आपूर्ति के लिए भारत ने इसराइल के साथ 50 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मिसाइल की आपूर्ति इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा की जाएगी। दोस्तों MRSAM मिसाइल सिस्टम का उपयोग नौसेना में किया जाता है। इस मिसाइल की प्रणाली से हवाई, समुद्री और जमीनी खतरों से आसानी से निपटा जा सकता है। इस मिसाइल प्रणाली में डिजिटल राडार, कमांड एंड कंट्रोल, लॉन्चर एंड इंटरसेप्टर्स होते हैं। दोस्तों इसका निर्माण इजराइल के रक्षा मंत्रालय, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, राफेल और अल्टा सिस्टम के बीच सहयोग से बनाया गया है और इसी हस्ताक्षर किए हैं इजराइल के साथ भारत ने। दोस्तों अब बात आई है इजराइल की, तो मैप में आपको इजराइल के बारे में बता दें। मैप में ये जगह इसराइल को दर्शाती है। दोस्तों इसराइल की जो करेंसी है आपको बता दें, वहां की करेंसी है न्यू शकील। इसराइल की जो कैपिटल है वह है जेरूसलम। इसराइल के प्रेसिडेंट हैं राउविन रिवलिन और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो इतना इसराइल के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। दोस्तों प्रतिवर्ष 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कार्य का समर्थन करना है। इसका उद्देश्य उन सभी लोगों को एकत्रित करना है जो न्याय और पीड़ित के अधिकारों का समर्थन करते हैं। तो आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर की लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रचना विष्ट रावत। रचना विष्ट रावत कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर की लेखक हैं। दोस्तों रचना ने खुद जाकर शहीद सैनिकों के परिवारों का इंटरव्यू किया और इसी युद्ध में 1999 के कारगिल युद्ध का वर्णन किया गया है। इस युद्ध में भारत के 500 से अधिक शहीद हुए थे। दोस्तों ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2019 में इसकी 20वीं सालगिरह मनाई गई है, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी फेलोशिप पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों राजेंद्र माथुर। राजेंद्र माथुर फेलोशिप मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको ये भी फेलोशिप दिख रहे होंगे, इनके बारे में बता दें तो मुक्तिबोध फेलोशिप यह साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है मध्य प्रदेश में। अमृता शेरगिल दोस्तों यह चित्र और मूर्तिकला के क्षेत्र में फेलोशिप दी जाती है मध्य प्रदेश में। और लास्ट है दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खां, यह फेलोशिप संगीत के क्षेत्र में दी जाती है मध्य प्रदेश में। तो इन फेलोशिप के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 2003 में। 2003 में मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद का गठन किया गया था। यह भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संग्रहालय मंदसौर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है राजा सीतामऊ निजी संग्रहालय।
राजा सीतामऊ संग्रहालय यह मंदसौर में स्थित है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और ये जो नाम दिख रहे हैं ये भी संग्रहालय के नाम है, इनके बारे में भी आपको बता दें तो राजा मृगेंद्र संग्रहालय दोस्तों यह शहडोल जिले में स्थित है। दोस्तों बिड़ला संग्रहालय यह भोपाल में स्थित है। वहीं बात करें पैलेस संग्रहालय की तो यह गोविंदपुर रीवा जिले में स्थित है। तो आपको इन चारों के बारे में इतना याद रखना है। दोस्तों अब बात आई है मंदसौर की तो आपको मंदसौर के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें। प्राचीन समय में दसपुर के नाम से जाना जाता था मंदसौर को। पुरातात्विक और ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध है मंदसौर। शिवना नदी पर स्थित पशुपति नाथ के मंदिर विश्व प्रसिद्ध है जो है मंदसौर में। मंदसौर रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म स्थान माना जाता है। भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन मंदसौर से ही होता है। दोस्तों इसे अफीम जिले के नाम से भी जाना जाता है। सिवान की खाड़ी जिले को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों गांधी सागर जलाशय, गांधी सागर अभयारण्य, हिंगलराज का किला, ये दोस्तों प्रमुख जो पर्यटन स्थल है यहाँ के यानी मंदसौर के। प्रदेश का एकमात्र औद्योगिक विद्यालय भी मंदसौर में ही स्थित है। काली सिंध, चंबल, शिवना प्रमुख नदियां हैं मंदसौर में। गांधी सागर चंबल नदी पर बनाया गया है दोस्तों बांध। ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है। गांधी सागर बांध है जो वह चंबल नदी पर बनाया गया है मंदसौर में। तो इतना आपको मंदसौर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से। मध्य प्रदेश में फ्लड योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें इस फ्लड योजना की जो शुरुआत है वह 1970 में की गई थी। इसका दूसरा जो चरण है वह 1980 से शुरू हुआ था और दोस्तों अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वह इसका तीसरा चरण चल रहा है ऑपरेशन फ्लड योजना का। आपको याद रखना है दोस्तों यह फ्लड योजना आनंद मॉडल पर आधारित है। तो मध्य प्रदेश में फ्लड योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था थ्रस्ट योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में संचालित की जा रही है? तो उसका सही ऑप्शन था दोस्तों 33 जिलों में। मध्य प्रदेश में थ्रस्ट योजना 33 जिलों में संचालित की जा रही है। दोस्तों अब बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे की तो आज का क्वेश्चन है विधिवत पंचायती राज प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आंसर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोग भी मध्य प्रदेश जीके के बारे में जान सकें और करंट अफेयर से रिलेटेड तैयारी कर सकें ताकि उनके जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए प्रिपरेशन हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।